जीवन है यह एक जानवर के आने से ही संभव हुआ। धरती से मीलों दूर अंतरिक्ष में जीवन है यह भी एक जानवर ने ही साबित किया। इस ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण अंग होने के बाद भी क्यों आज बेजार जिंदगी जी रहे हैं ये जानवर? ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित ये देवभूमि सालों से आस्था के लिए जानी जाती है। यहाँ भक्ति, शुद्धता, शांति का ऐसा समागम है जो कई सालों से अपनी ओर देशी और विदेशी पर्यटकों को खींचता रहा है। जो मन की शांति हम मनुष्य वहां पाते हैं, ये जानवर उससे दूर ही रह जाते हैं। इंसान अपने रहन सहन पर इतना ध्यान देते हैं, स्वास्थ्य रक्षा के नाम पे जहां हम खाने को ठुकरा देते हैं, वहीं ये जानवर अपना पेट भरने के लिए कचरे के ढेरों में जाते हैं। इस दौड़ती भागती जिंदगी में हम इंसान शायद ये भूल गए हैं कि जिस प्यार और सम्मान की उम्मीद हम रखते हैं, उसी अपनेपन को ये मासूम आंखें भी तलाशती है। भारत में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार स्ट्रे एनिमल्स की संख्या 30 मिलियन से भी अधिक है और निरंतर बढ़ रही है। हमारे जीवन में बढ़ रहा आधुनिकीकरण ही कुछ हद तक वजह है इन बेजुबान जानवरों के प्राकृतिक निवास के नष्ट होने का, जिसके चलते ना सिर्फ घर बल्कि पेट भरने के सुख से भी वंचित रह जाते हैं। और ये बेजुबान जानवर अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए हम इंसानों या इंसानों द्वारा बनाए गए स्रोत पर ही निर्भर रह जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी एक जानवर में है जो उसे पूजनीय बनाता है। हम इंसान गाय को पूजते हैं, उसे माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन उसी माँ को हम धुतकार देते हैं। जितनी पूजनीय हम इंसानों के लिए हमारी माँ है, उतनी ही सम्मान की हकदार ये जानवर भी है। एक मनुष्य अपने जीवन काल में जिस भी गतिविधि से होकर गुजरता है, उन्हीं सब पड़ाव को ये जानवर भी पार करते हैं। ममता और भावनाओं से भरा जीवन जैसे एक मनुष्य जीता है, वैसे ही जीवन हर एक जानवर भी पाता है। बदलते वक्त में अपनी पीड़ा को बयां करने की जो आजादी हम इंसान रखते हैं, कि बेजुबा इससे भी वंचित रह जाते हैं। आईपीसी की धारा 428 और 429 और क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अनुसार किसी भी जानवर को जान से मारना एक दंडनीय अपराध है। सेक्शन 11(1)(h) प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अनुसार किसी भी जानवर की जरूरती चीजें जैसे खाना, पानी, घर छीनना या फिर उसे लंबे समय तक बांध कर रखना एक दंडनीय अपराध है और दोषी को 3 महीने की सजा और जुर्माना देना पड़ सकता है। सालों पुरानी कहावत है, हम इंसानों का सबसे वफादार दोस्त जानवर है। भले ही जानवर की मदद करना किसी कानून में नहीं लिखा, पर क्या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जानवरों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? वर्तमान समय कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। मारपिटाई, धुतकार, बेबस्ता इन जानवरों का नसीब बनके रह गया है। शायद यही वक्त है जब हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। द ग्रेटनेस ऑफ ए नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड।